जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी के भाग 6 के बारे में। भाग 6 थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं उसको 3 भागों में बनाऊंगा डिवाइड करके, क्योंकि वो एक ही वीडियो अगर मैं बना दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं। 10 मिनट के वीडियो में आप 2 मिनट वीडियो देखते हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर ये 30-40 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगा तो, इसलिए मैं 3 भागों में ये वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी इसके ऊपर तकरीबन 4-5 वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसको प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। किताब के पेज नंबर 27 पर भाग 6 ढोंडीराव सवाल पूछते हैं, फिर बलिराज ने क्या किया? ज्योतिराव जवाब देते हैं, बलिराज ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए जाएं। ढोंडीराव से सवाल पूछते हैं, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश क्या बलि के अधिकार में था? ज्योतिराव जवाब देते हैं, इस देश में कई प्रदेश बलिराजा के अधिकार में थे, इसके अलावा सिंहल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे, वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोलापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोकण और मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे, वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया था, उसके रहने का मुख्य स्थान कोलापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का एक पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था, बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने के कारण बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों खंडों में बांट दिया था, इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा एक खंड का मुखिया पड़ गया था, इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड की मुखिया की योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं दो प्रधान रहते थे, उसी प्रकार एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल यानी कि पहलवान, या आज की डेट में भी और कहा जाता है कि बड़ा मल हो रहा है तू, पहलवान थे, इसलिए उसको मलुखान कहते थे। उन 9 में से एक जेजोरी का खंडोबा था, यह खंडोबा का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकारों में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका दूसरा नाम मल्ल अरी पड़ गया, मल्हारी इसका अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था, उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोड़ पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मरतंड हो गया। इस प्रकार वह दीन लोगों का दाता था, उसको गाने का बड़ा शौक था, उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है, यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का जो प्रसिद्ध मुस्लिम गायक हुआ है उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महासूबा और 9 खंडों के न्याय के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे, उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे, इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल वह महासूबे का अपभ्रंश महासूबा हो गया है, वह समय समय पर लोगों की खेती बाड़ी का निरीक्षण करता था और उसी के आधार पर सुविधाएं देकर सभी को खुश रखता था। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे शब्द ऐसे हैं जो कि बाद में बदल गए हैं, कालखंड में कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, अगर इसकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाए तो हजारों शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि पहले कुछ और होते थे और आज की डेट में धीरे धीरे बदलते बदलते आज हमारे सामने उसका कोई दूसरा ही रूप है। इसलिए मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर पोत कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा, वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हसिया भी नहीं लगा सकते, उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तोल भी नहीं सकते,
उस बलि राजा द्वारा सूबे प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने भी अपनाया होगा, इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। क्योंकि उस समय यवन के ही लोग नहीं बल्कि मिस्र के भी कई विद्वान यहाँ आकर विद्यापन करके जाते थे, इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के आसपास कुछ क्षेत्र भी बलि राजा के अधिकार में थे, इसलिए उस प्रदेश को दसवां खंड कहा जाता था। वहां के मुखिया का नाम कालभैरी था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार वह मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उसे उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से ढोर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। इस ढोर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके ताल सुर में मृदंग तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। ऐसा कई बार होता है, आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुजन तबके के लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं होती, और इसकी वजह से उनकी जो कला है वो वहीं दबी की दबी रह जाती है। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं तो कई बार जिक्र करता हूँ उन सारी चीज़ों का, आप लोग भी प्लीज़ नोटिस कीजिएगा। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था, इसीलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति गुलामगिरी का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे, इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था, ऐसा भी लिखा मिलता है। इन सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है, वह कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार लगवाता था, वहां सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में पिसी हुई हल्दी और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवा कर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह अपना पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा द्वारा ऐसा कहने पर जिसमें इस तरह के काम करने की हिम्मत होती थी वह हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़ा हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे से बांध लेता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंपा करता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति के साथ शत्रु की फौज पर टूट पड़ता था। इसी वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ा होगा, उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। बलि राजा के महावीरों में भैरोवा, ज्योतिवा तथा नौखंडोबा अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए इस तरह की शर्तिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले तड़ी उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने इस संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप मान लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरोबाचा अथवा ज्योतिबाचा, चांद भला इस प्रकार का युद्धघोष करते थे। और इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मनाता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठा यानी मातंग, महार, कुनबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कलस्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवा कर उसको भोजन अर्पण किए बगैर अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते। इस तरह का रिवाज है या नहीं है मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है। अगर कभी कुछ पता चलेगा तो जरूर मैं शेयर करूंगा। इसके बाद ढोंडीराव एक और सवाल पूछते हैं, लेकिन उस सवाल को हम कवर करेंगे दूसरे वीडियो में। ऑलरेडी ये तकरीबन 14-15 मिनट का वीडियो हो चुका है। सवाल है, बलि राजा की राज्य सीमा पर आने के बाद वामन ने क्या किया? इसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को
समझने को जरूर मिला होगा। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में थी, इसलिए मैंने खुद का इंटरफेरेंस नहीं किया इस वीडियो में। ये किताब है, अगर किताब खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, आपको पीडीएफ में ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे खरीदना है या फिर फ्री में डाउनलोड करना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। नहीं भी अगर खरीदना हो तब भी यहाँ पर मैं पूरी किताब को ऑडियो वीडियो बुक के फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशरी रहेगा आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक। मैं रजत कुमार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।